प्रिय छात्रों नमस्ते। आज हम कार्बन फिल्म रजिस्टर्स और एलो रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। ये दोनों रजिस्टर फिक्स टाइप रजिस्टर हैं। चित्र में प्रथम कार्बन फिल्म रजिस्टर दर्शाया हुआ है, जिसमें बीच वाले भाग पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वाइट कलर जो दिखाई दे रहा है, सेरेमिक रोड है जो कुचालक है, इंसुलेटिंग बेस है, जिस पर एक पतली परत कार्बन की फिल्म की पाउडर्ड फॉर्म में डिपॉजिट की जाती है और स्पाइरल कटिंग द्वारा ये इस तरह की शेप में फिल्म को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो फिल्म है स्पाइरल शेप में है, जैसे कि स्प्रिंग होती है। ये यहाँ से फिल्म चालू है और यहाँ पर फिल्म एंड हो रही है, कार्बन फिल्म। इस एंड सिरों पे, फिल्म के एंड सिरों पे मेटेलिक कैप दोनों तरफ लगा रखी है, दोनों सिरों पर, और उनसे कनेक्टेड है मेटेलिक कनेक्टिंग लीड जो कि शोल्डर की होती है इस जगह पर। और इस पूरे के ऊपर एक कोटिंग, इंसुलेटिंग कोटिंग की जाती है जो इपॉक्सी पदार्थ की बनी होती है। साथ ही ये कोटिंग मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, नमी और मैकेनिकल डैमेज से इस रजिस्टर को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रोटेक्शन देती है। ये सारी प्रोसेस उच्च तापमान पर फिल्म डिपोजिशन की होती है और ये सेम प्रोसेस वैसे ही होती है जैसे कि स्कूटर के साइलेंसर में जब पेट्रोल को फायरिंग किया जाता है तो उच्च तापमान पर वहाँ पर एक कार्बन की फिल्म का निर्माण होता है जो एज ए रेजिस्टेंस कार्य करने के लिए यूज की जा सकती है। इन रजिस्टर्स पे इनका मान को कलर बैंड द्वारा दर्शाया जाता है। ये इन स्पाइरल ग्रू काट के इन फिल्म के अंदर प्रतिरोध का मान निश्चित ज्ञात किया जाता है और सुपर शुद्धता या प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। स्पेसिफिकेशन, इनकी परास यानी रेंज एक ओम से 10^7 ओम यानी 10 मेगा ओम तक होती है। फिल्म की थिकनेस यानी कार्बन की थिकनेस 0.01 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी वर्किंग वोल्टेज 500 वोल्टेज तक रेटिंग होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 1200 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टॉलरेंस 2% या अधिक होती है। इनका यूज इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने में, एम्पलीफायर्स में, ओसिलेटर्स में और मिलिट्री सर्विसेज इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। अलॉय रजिस्टर्स, अलॉय रजिस्टर दो या उससे अधिक धातुओं को मिक्सर करके निर्माण किया जाता है, या इन्हें मिश्र धातु या अलॉय मेटल रजिस्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिश्र धातु है निकल क्रोमियम यानी नाइक्रोम, या कॉन्स्टेंटन या मैग्निन। मैग्निन में असल में 84% कॉपर, 12% मैंगनीज और 4% निकल का मिक्सचर होता है, जिसे ग्लास सेरेमिक सब्सट्रेट पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिससे ये एलॉय रजिस्टर का निर्माण होता है। एक विशेष प्रकार के एलॉय रजिस्टर का संरचना नीचे दर्शाई गई है। इस चित्र में स्टेनलेस स्टील और कॉपर के दो ब्लॉक, डबल ब्लॉकों का यूज हुआ है और उनके अंदर हीटर के साथ साथ वहाँ वायु, हीटर के साथ साथ वायु आगमन का स्थान बनाया है। जैसे इसमें ये बीच वाला ये जो पार्ट है, ये पूरा कॉपर ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक 2, और ये कॉपर ब्लॉक 1 है। यहाँ पर ये सीलिंग की हुई है और साथ में ये टर्मिनल्स हैं 1 और 2। यहाँ पर 1, 2 और 3 ये रेडिएशन शील्डिंग की हुई है। इसको हीटर का प्रयोग यहाँ पर पहले कॉपर, सेकंड कॉपर ब्लॉक के अंदर ये किया हुआ है और नीचे भी एक हीटर का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो नीचे जगह दे रखी है ये एयर गैप का काम करता है, यार एयर वेंटिलेशन काम करता है। इसके नीचे वाला ब्लॉक है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसकी साइज 15.6 mm में मोटाई और लंबाई 22.4 mm के करीब होती है। ये है विशेष प्रकार का एक एलो रजिस्टर जो स्टेनलेस स्टील और कॉपर के ब्लॉकों से निर्मित किया जाता है। स्पेसिफिकेशंस, ये उच्च आवर्ती प्रास के
में प्राप्त होते हैं, इनकी उसमें विद्युत वाहक बल 1 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तापमान योग्यता 275 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, अत्यल्प प्रेरण यानी 0.59 हेनरी से 5 नैनो हेनरी तक इनमें प्राप्त होता है। इनके यूजेज हैं पावर एप्लीकेशन डिवाइसेज में होता है, इन्वर्टर्स में इनका यूज होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में इनका यूज किया जाता है। ये थे कार्बन फिल्म और एलो रजिस्टर, जो कि दोनों ही फिक्स टाइप रजिस्टर है। थैंक यू।